विजिट के हवाले से बताया। देखिए आज यहाँ पर लाल चौक और इसको गिरदोनवा में जो हमारा विजिट था, इसका मकसद है, हमें एक तो अक्सर हम विजिट करते रहते हैं और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी फ्रेटर्निटी है उनसे मिलते रहते हैं, तो इनसे आप देख सकते हैं सारा मार्केट खुला है, यहाँ पर दुकानदार जो हैं सभी आ चुके हैं और लोगों का खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, तो मार्केट पूरे अपने फुल ब्लूम पर है और हम ये चाहते हैं कि मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलते रहें, इनको कोई दिक्कत आती है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ रहती है, इनको फैसिलिटेट करते हैं, तो एक रूटीन विजिट था बस। सर G20 के हवाले से सर एग्जाम जो चल रहे हैं आपकी तरफ से 25 प्रोजेक्ट सभी उनके काम चल रहे हैं, आपने सबको डायरेक्शंस रखी है कि जो है डे इन डे नाइट में जो है काम होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक हो जाएगा कंप्लीट। देखिए इस वक्त शहर में स्मार्ट सिटी ने सिटी रीडेवलपमेंट के तहत बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं, वो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि विंटर में डिस्पाइट हार्श वेदर ये काम जो इंजीनियरिंग जिनके लिए या मैकेनिकली पॉसिबल थे वो काम किए गए हैं और उन पर ज़ोर शोरों से काम चल रहा है। अब मौसम खुल गया है और अब आगे नाइट शिफ्ट्स में भी काम होगा, जैसे आपने सही कहा है, नाइट शिफ्ट्स में भी काम किया जाएगा और ये सारे प्रोजेक्ट्स एंड टाइम पर कंप्लीट किए जाएंगे, मुकम्मल कर लिए जाएंगे और ख़ासकर G20 का जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और श्रीनगर शहर के लिए ये मुबारकबाद की बात है, फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ज़िला श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके खैर मकदम के लिए ज़िला श्रीनगर पूरी तरह तैयारी कर रहा है और जो डेलीगेट्स आएंगे, कश्मीर वैसे भी अपनी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी दिखाने का पूरी दुनिया के सामने, हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी दिखाने का बहुत बड़ा मौका है और इसको पूरे ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। अभी जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्टेटमेंट एक जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि यहाँ पर जो जंग आलूदा पोल्स हैं या वायर्स हैं उनको हटाया जाएगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ G20 मीटिंग, तो नंबर एक, नंबर दो, दूसरा सवाल है, दोनों प्लीज़ आप जवाब दीजिएगा। अभी जिस तरह से बताया जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिमर्स है कि एक कनाल तक लैंड जो है उनकी डिमोलिशन नहीं होगी, kindly answer these two questions, sir. देखिए पहला सवाल जो आपका है, जो आपने रिडंडेंट पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में कहा है, रिडंडेंट इलेक्ट्रिक पोल्स आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि इस पोल पर आप कंडक्टर नहीं है तो बिजली किसी दूसरे पोल से चल रही है, लेकिन ये भी है उसके साथ वहाँ किसी का नेटवर्क, किसी कंपनी का, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का जो नेटवर्क है वहाँ से कनेक्ट जा रहा होता है, उन्होंने पोल सपोर्ट ली होती है, उसको पहले एड्रेस किया जाएगा ताकि किसी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन या नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो, तो उसका ऑडिट पूरा खुद PDD डिपार्टमेंट कर रहा है और जो रिडंडेंट पोल्स हैं, रस्टेड हैं, टिल्टेड पोल्स हैं, टिल्टेड पोल्स को में दुरुस्ती की जाएगी और जो रस्टेड पोल्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। पहला सवाल आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्स के बारे में था, दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे लगता है आपके एक साथी और हैं उन्होंने भी ये सवाल पूछा था, तो इस बारे में ऑनरेबल LG साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है वो स्टेटमेंट आप सबको याद है, आप लोगों ने कई बार उस स्टेटमेंट को दोहराया भी है और अखबारों में लिखा भी है। सर इंक्रोचमेंट क्या है, दो ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहां इंक्रोचमेंट के हवाले से फेक लिस्टें जारी की गई हैं जिन पर ना किसी का साइन था ना किसी की सील थी, अनसील्ड अनसाइंड लिस्टें जारी करके एक पैनिक फैलाने का तरीका जिन अनासर ने कोशिश की, हमने उनके खिलाफ़ FIR दिया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि साइबर पुलिस भी उसने भी उसकी कॉग्निजेंस ली है, इस तरीके से पैनिक फैलाने वाले एलिमेंट जो हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और मैं आपको फिर से बात कहना चाहता हूं कि किसी भी लैंडलेस गरीब शख्स को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जैसे ऑनरेबल LG साहब ने बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है, तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार के जो डायरेक्शन है वो क्लियर हैं इस बारे में और आप सबको वो मालूम भी है। सर, सर, सर।
दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।